आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम उर्दू में इसको कहते हैं मसला। ये हम करेंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट 10th क्लास में से। उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। ये थी स्टेटमेंट, और आप परेशान ना हो, ये लेंथी स्टेटमेंट है इसलिए इसको मैंने पढ़ दिया है, लेकिन मैं आपको इसको ठीक तरह से समझाता हूँ ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाना है, ये हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नेम दे देते हैं हम ए बी सी। तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हमने बना दी। अब वो कहता है कि हमारे पास ये साइड है ए, लेट्स सपोज हमने रख ली, ये साइड है बी और ये है सी। वो कहता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस साइड एंड इसको प्रोड्यूस करते हुए यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें जिसको हम कह देते हैं डी। ये इसकी स्टेटमेंट है, मींस के इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर एंड उसको एंड उसमें प्लस क्या करेंगे टू टाइम्स। हमने इसका लिखना है, गिवन हमारे पास है ए, ये जो है हमारे पास ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। हमने क्या किया, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी, ड्रा किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है सी डी ऑन ए बी प्रोड्यूस टू डी। हमने एक ए बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास जो हमने प्रूव करना है, हमारे पास जो एक इसको हमने नेम दे देना है एक्स ए डी को, और इसको हमने एच का नाम दे देना है सी डी को। तो हमारे पास यहां पे ये याद रखें, मेजर साइड जो है हमारे पास सी डी जो है वो एच है, हमारे पास मेजर साइड जो है ए डी जो है वो हमारे पास है एक्स, एंड ये तो आपको पता है कि दिखी हुई है सी डी और बी सी और ये। तो हमने प्रूव करना है, प्रूफ ये करना है हमने कि सी डी स्क्वायर, ये जो हमारे पास है ये वाला स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर होगा ना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टेटमेंट हमें ये कहती है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर यानी कि ए बी साइड स्क्वायर प्लस ए सी साइड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वन ऑफ द साइड, ये वाली हम इस साइड पर लेते हैं ए बी को, कह दें आप मेजर साइड ए बी। ये हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड मींस इसका स्क्वायर, ये हमने करना है इसके साइड। तो यहां पे हमें लिखना है स्टेटमेंट, यहां पे हम लिखेंगे रीजन, हमारे पास ये आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी या सी डी ए, ये जो हम लेते हैं ट्राइंगल राइट ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए इन सी डी ए ट्राइंगल सी डी ए में जो है ना हमारे पास मेजर एंगल जो है, मेजर एंगल जो हमारे पास
सी डी ए है, सी डी ए जो है हमारे पास वो है 90 डिग्री। अब यहां पे हमने क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास है, यहां पे देखें बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम और फार्मूला जो आप इसको पढ़ना चाहें, ये हमारे पास हो गया, इसको वन का नेम देते हैं। अब राइट ट्राइंगल सी डी बी ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल है सी डी बी वो है 90 डिग्री का, सी डी बी जो एंगल हमारे पास है वो है 90 डिग्री, सी डी बी जो एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। सेम इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहां पे देखें ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस, ये हमारे पास यहां पे पूरी साइड है सी प्लस एक्स होल स्क्वेयर, ये बाय पाइथागोरस फार्मूला। अब यहां पे इसको ये देखें, इसको हम यहां पे लिखते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस, यहां पे इसको ओपन करेंगे सी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, ए स्क्वेयर यहां पे हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वेयर की, यहां से हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, अब हमने क्या कर रहे हैं, यहां पे देखें ये है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो ये जो है यहां पे पहले हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए h और x स्क्वेयर की जगह पे हम बी स्क्वेयर बना सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स, ये हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है। हमने जस्ट b की वैल्यू को रिप्लेस, इसकी वैल्यू को b से स्क्वायर से रिप्लेस किया। अब ये देखें आप के यहां पे अब इस हमारे प्रूफ पे आ जाएं, bc की वैल्यू थी ये वाली, यहां पे ये है a स्क्वायर और यहां पे हमारे पास ab जो है हमारे पास c स्क्वायर प्लस ac जो है हमारे पास b स्क्वायर प्लस 2 यहां पे आ गया हमारे पास, और ए बी सी है और ए डी जो है हमारे पास एक्स है, तो इसको सी एक्स लिख दिया। ये है हमारे पास थ्योरम नंबर 1। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप डिस्कस करें कमेंट में, आप कमेंट अपना करें, अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसे एडवांस हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये स्टेटमेंट को ही समझना होता है, अब आपको आई थिंक ये आसान हो जाएगा आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।